Realme X वर्सेस Oppo K3, एक ही माँ के दो बेटे। गाइज इन दोनों डिवाइस को लेकर अगर आप कोई भी कंपैरिजन करोगे तो आप हार्डली कोई डिफरेंस कर पाओगे, क्योंकि दोनों डिवाइस ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं। अब वो डिवाइस के हार्डवेयर को लेकर हो, इंटरनल स्पेसिफिकेशन को लेकर हो, या फिर इनकी प्राइस को लेकर। और तो और गाइज Realme Oppo का ही एक सब ब्रांड है। तो अब इन दोनों डिवाइस में से आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों डिवाइस को लेकर कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसके बाद आपको एटलीस्ट ये आइडिया तो हो जाएगा कि कौन सा डिवाइस आपके लिए बेटर है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइज, मैं हूँ महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना। गाइज दोनों डिवाइस ऑफिशियली इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, जहां Oppo K3 23 जुलाई को ऑनलाइन सेल के लिए अवेलेबल होगा, वहीं Realme X 24 जुलाई को सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जहां Realme X आपको एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगा, वहीं Oppo K3 आपको Amazon इंडिया पर देखने को मिलेगा। गाइज ये वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होगा क्योंकि इतने कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कंपेयर करने के लिए, बस यहाँ साइड बाय साइड कुछ ऐसे डिफरेंस आपको बता देता हूँ जिनसे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। गाइज सबसे पहला जो डिफरेंस है इन दोनों डिवाइस के बीच में वो है कैमरास को लेकर। Realme X में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है सोनी IMX586 सेंसर के साथ में, जो f1.7 अपरेचर के साथ में आता है, और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है जिसका अपरेचर है f2.4। अब Oppo K3 में भी आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन प्राइमरी सेंसर ओनली 16 मेगापिक्सल का है जो सोनी IMX519 सेंसर के साथ f1.7 अपरेचर के साथ आता है, और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी दिया है जो वही 2.4 के अपरेचर के साथ आता है। तो कैमरा डेफिनेटली यहां पर Realme X का ज्यादा एडवांस देखने को मिलता है Oppo K3 के कंपैरिजन में। ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको Realme X के साथ में देखने को मिलेगी। फ्रंट कैमरा में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रंट कैमरा दोनों ही डिवाइस में 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा है, जो कि बिल्कुल सेम कैमरा है। तो रेयर कैमरा के अकॉर्डिंग Realme X इज मोर बेटर चॉइस। सेकंड जो डिफरेंस है वो है इनके रैम और स्टोरेज को लेकर। जहां बेस वेरिएंट की बात करें तो Realme X में आपको 17,000 के प्राइस पर 4GB 128GB वेरिएंट देखने को मिलता है, वहीं Oppo K3 में आपको 17,000 के प्राइस पर 6GB 64GB वेरिएंट देखने को मिलता है। अब गाइस दोनों ही डिवाइस हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में आते हैं, तो यहां पर परफॉर्मेंस तो दोनों ही डिवाइस का ऑलमोस्ट सेम रहेगा। स्टोरेज आपको Realme X में ऑलमोस्ट डबल देखने को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली स्टोरेज ऑप्शन के साथ में Realme X ज्यादा बेटर है। अब थर्ड जो डिफरेंस है वो है इनके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर। दोनों डिवाइस आपको प्लास्टिक बॉडी यानी पॉलीकार्बोनेट के साथ में आते हैं, जहां बैक में आपको ग्लॉसी बैक देखने को मिलता है, लेकिन जो डुअल कैमरा का अलाइनमेंट है वो Oppo K3 में थोड़ा अलग अलग देखने को मिलता है, वहीं Realme X के साथ में रेयर कैमरा मेटल फ्रेमिंग के साथ में देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली कैमरा सिक्योरिटी पर्पज से भी Realme X ज्यादा बेटर है और देखने में भी काफी प्रीमियम लगता है। और गाइज Oppo K3 के साथ में आपको ओनली 2 कलर वेरियंट देखने को मिलते हैं, जबकि Realme X के साथ में ब्लू, व्हाइट, अनियन, गार्लिक और स्पाइडरमैन एडिशन जैसे चॉइसेस हैं। अब बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की, तो वो है साउंड क्वालिटी को लेकर। Realme X के साथ में आपको डॉल्बी एटमोस साउंड देखने को मिलता है, जहां Oppo K3 में ये मिसिंग है। तो साउंड के मामले में सीधा से विनर यहां पर Realme X है। और इसके अलावा गाइस एक जो डिफरेंस है भी और नहीं भी, तो Realme X आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलता है, जबकि Oppo K3 आपको Amazon पर देखने को मिलता है। बाकी गाइस दोनों डिवाइस में हर चीज आपको सेम देखने को मिलती है, अब वो डिस्प्ले हो, प्रोसेसर हो, बैटरी हो, यहाँ तक कि इनके जो फोन का UI है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो गाइस आई होप वीडियो के बेस पर आपको डेफिनेटली ये आइडिया तो हो चुका होगा कि कौन सा डिवाइस आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो प्लीज आपको जो भी बेटर लगता हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, क्योंकि आपकी चॉइस भी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि डिवाइस ऑफकोर्स आप ही को लेना है। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।